और बढ़ते आगे बड़ी खबर आ रही है। चित्रकूट के कनकोटा गांव में फिर से मतदान शुरू हो गया है। जी हां, ग्राम पंचायत में 10 बजे तक 30% मतदान हुआ है और दूसरे चरण में वहां पर वोटिंग नहीं हो पाई थी। दरअसल उस दौरान दो पक्षों के बीच में हिंसक झड़प हो गई थी। खूनी संघर्ष के दौरान जो मत पेटी थी उनको पानी में फेंक दिया गया था। जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव वहाँ पर निरस्त कर दिया था। 21 नामजद और 45 अज्ञात लोगों के खिलाफ वहां पर केस भी दर्ज कराया गया था। कड़ी सुरक्षा के बीच आज फिर से मतदान वहां पर शुरू हुआ है। चूंकि आज अंतिम चरण था मतदान का उत्तर प्रदेश में और दिन के बचे हुए मतदान को पूरा आज कराया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम वहां पर किए हुए हैं ताकि कोई परेशानी ना हो। और वहां पर चित्रकूट के कनकोटा गाँव में फिर से मतदान शुरू हो गया है। स्क्रैच के लिए 10 बजे तक 30% वोटिंग वहां पर हो गई थी। जब पहले वहां पर मतदान किया जा रहा था तो दो पक्षों के बीच खूनी झड़प हो गई थी। खूनी संघर्ष के दौरान मत पेटियों को पानी में फेंक दिया गया था, जिसके चलते वहां पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव को निरस्त कर दिया था। शिवा निषाद संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। शिवा, इस बार तो कोई कमी नहीं है, सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम आते हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जैसे सुबह से मतदान शुरू हुआ वैसे जो प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं चाक चौबंद थी। अगर मतदान की बात करें तो अब तक जो मतदान है लगभग 45% जो मतदान हो चुका है, पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है और लगातार पुलिस जब पुनर्मतदान हो रहा था उससे पहले भी निर्वाचन अधिकारी ने गाँव में मुनादी कराई थी, लोगों को जागरूक किया था कि जो चौथे चरण मतदान होना उसमें यहाँ पुनर्मतदान होना, जिसको लेकर जागरूक किया गया था। जो मतदाताओं को ज्यादा जागरूक करने के बाद जो मतदाता है वो लगातार घरों से निकल रहे हैं और लगातार पोलिंग बूथ तक पहुँच रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निषाद, हम तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए। हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि इस बार सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।